बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पूरा ऑथेंटिक बना रहे हैं हलवा बनाएंगे अंडे का मैसू। ये देखिए मैंने 6 अंडे लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 6 अंडे लिए हैं और 1 कप चीनी मैंने लिया है, 1 कप घी लिया है। सारी चीजें कर लें, वेट के बराबर से कप में डालें, चाहे तो आप किसी बाउल में, ताकि अंदाजा हो जाए कि सारी चीजें एक ही मेजरमेंट के हिसाब से हैं। चाहे आप वेट कर लें उसी में, या फिर आप किसी बाउल में या कप में डाल लें, एक सा होना चाहिए और उसका मेजरमेंट का अंदाजा हो जाए। मैंने छोटी इलायची कर लिया था पहले, अभी और उसके बाद चीजें अभी मैं एक में इसी पैन में लेके मिक्स कर रही हूँ। खाली अच्छे से मिक्स चीनी, कर लेंगे अंडे और मैंने घी डाल के अभी हम अंडा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम चूल्हे पे नहीं चढ़ाएंगे, वरना इसको अंडे की फुटकियाँ पड़ने लगेंगी और अंडा जो है ना पकने लगेगा। देखिए इसलिए पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारी चीजें यकजान हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से करके और अब चूल्हे पे चढ़ा दी है मैंने, चलाते रहेंगे और अब मैं इसको थोड़ा सा भी हाथ स्लो फ्लेम में, वरना अंडा मीडियम से भी कम रखी है मैंने, बड़े बड़े लम्स आने लगेंगे और इसको अब हम मुस्तकिल कंटिन्यूअसली इसको चलाएंगे इस तरह से इसकी, और हम इसको पकाते रहेंगे। भुनाई है बस, भुनाई करते जाएं, भुनाई होती है। देखिए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए भुनाई करते करते, अब ये थोड़ा सा इधर ही होना भुनाई करेंगे तरह से। आप कंटिन्यूअसली जबरदस्त बनता है, बस इसको आपको चलाते रहना है और चलाते रहना है, जबरदस्त आपका मैसू बन के तैयार होगा। वरना इसके अंदर गिट्टियां पड़ जाएंगी और मैसू बहुत मजे का लगता है। बोरियों की ये खास, सर्दियों में बहुत जबरदस्त लगता है, सर्दियों में बनाते हैं। बोरियों की ये खास ट्रेडिशनल डिश है, उनके लगा इसके अंदर बहुत जबरदस्त बनता है, हल्का भी हो गया ये। बस इसको आप चलाते रहेंगे, अभी देखिए कितना जबरदस्त सा इसका येलो कलर है। और हम 10-15 मिनट इस चैनल नहीं करेंगे सब्सक्राइब नहीं, तो इसका कलर चेंज हो रहा है। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें अभी इसके अंदर, ताकि आने वाली आप देखिए मैंने सीड्स इसके अंदर चीनी अंडे और क्या कहते हैं घी मिक्स किया था। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, शेयर दाम पे कमेंट करके क्वांटिटी सेम होना चाहिए। छोटी इलायची का काली छोटी इलायची इसमें मिक्स कर रही हूं, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाला इसके अंदर। इलायची पाउडर डालते हैं ताकि अंडे की स्मेल ना आए। कलर आप देखिए अभी कितना येलो सा हो रहा है, कितना टेक्सचर इसका चेंज हो गया। बाद देखिएगा इसका कलर भी देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है इसका, हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर में चाहिए। इस तरह से बस भूनते जाएं भूनते जाएं इसको, जब तक ये हमारा थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। जरा से भी लम्स नहीं आए, अब हमारा कलर अंडे का चेंज होने लगा है। इसको भूनते रहें और ये देखिए मैं तकरीबन 20 मिनट 22 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको कंटिन्यूअसली भून रही हूँ। उसको मैं तकरीबन भूनते भूनते कलर देखें अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत ही मजे का बनता है इसको। आप फ्लेम में ट्राई कीजिएगा, लो रखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए आपका अंडे का कलर और चेंज हो गया, आप तेज करेंगे तो कहीं से अभी देखिए मजीद चेंज हो गया। हमें थोड़ा सा और भूनना है बस, अब हमारा अभी भी लो अंडे का मैसू जो है बिल्कुल तैयारी की हमारा ऑलमोस्ट बस। अब मैंने डिश निकाल के रखी हुई है, ग्रीस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना घी है और इसको मैंने इसको उलट लिया। कलर हमें बस यही चाहिए, आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क भी कर लें हाथ के, लेकिन फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। कलर हमें बस यही चाहिए, मैं इसके ऊपर पिस्ते बादाम से लगा दूंगी, स्प्रिंकल कर रही हूं और इसको हम भी हम प्रेस कर देंगे थोड़ा सा और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हाथ में हाथ, वरना जो है ये ताकि सख्त हो जाएगा तो फटेगा क्योंकि अभी बहुत गर्म हो रहा है, कटिंग नहीं होती। कटिंग इसकी आप फौरन के फौरन कर लें। इस तरह से हम कटिंग करके इस तरह से कट लगा तक मैं इसको और इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए रखूंगी ताकि सेट हो जाए, ड्राई हो गए। देखिए हमारे अंडे का मैसू, हमारा सूप बिल्कुल चाय आ चुका है, अंडे का हलवा है। आप कलर देखिए कितना खूबसूरत सा, इतनी जबरदस्त है, इसमें खुशबू आ रही है जबरदस्त। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। मेरे चैनल को जिसने अल्लाह हाफिज़ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।